गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर एक नई वीडियो को लेकर आया हूं आपके लिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको महत्वपूर्ण लेटर कराऊंगा जो आपके एग्जाम पेपर के लिए हेल्पफुल भी होगा। ये लेटर फ्रेंड्स अपने फादर से ये रिक्वेस्ट करने के लिए है कि मुझे कुछ रुपये भेज दीजिए जिससे कि मैं अपनी बुक्स को परचेज कर सकूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें जिससे फ्रेंड्स मेरी अगली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सेक्शन 20 है, लेटर एंड एप्लीकेशन का एक चैप्टर है, उसमें से ये लेटर सेकंड नंबर का मैं आपको लेटर कराने वाला हूँ। क्वेश्चन आपसे एग्जाम पेपर में कुछ इस प्रकार से वो पूछ सकता है कि राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू 1000 रुपी टू बाय बुक्स। अपने पिता को एक पत्र लिखकर पुस्तकें खरीदने के लिए 1000 रुपये भेजने का अनुरोध करें। ठीक है, तो आपको पत्र इस प्रकार से लिखना है। देखिए सबसे पहले मैं एड्रेस डालूंगा कि 15 महात्मा गांधी मार्ग बेसन गली। ठीक है, कहाँ का सिटी क्या है, लखनऊ है। फिर डेट आप डाल देंगे। इसके बाद आप डालेंगे माय डियर फादर, मेरे प्यारे पिताजी, आई एम क्वाइट वेल हेयर एंड होप यू विल ऑल्सो बी हैप्पी। मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी खुश होंगे। माई स्टडी आर गोइंग ऑन वेल, मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है। माई एनुअल एग्जामिनेशन आर एट हैंड, और मेरी वार्षिक परीक्षाएं भी नज़दीक हैं। आई एम इन नीड ऑफ 1000 एज आई हैव टू पे माई कॉलेज फी एंड मेक अदर पेमेंट्स। मुझे 1000 रुपये की आवश्यकता है क्योंकि मुझे कॉलेज की फीस और अन्य भुगतान पे करने हैं। आई हैव टू परचेज सम बुक्स ऑल्सो, और मुझे कुछ किताबें भी खरीदनी हैं। काइंडली सेंड अ सम ऑफ 1000 रुपी सो दैट आई मे बाय देम सून। कृपया मुझे 1000 रुपये की राशि भेज दें जिससे कि मैं जल्दी से जल्दी किताबों को खरीद सकूं। With my best regards to dear mummy and love to Sohan, your loving son। मेरी प्यारी मम्मी को मेरा सादर प्रणाम और आपके प्यारे बेटे सोहन को प्यार। इसके बाद आपको लिखना है योर लविंग सन, आपका प्यारा बेटा सोहन सिंह। यहाँ आपको अपना लेटर लिखकर एंड कर देना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये लेटर आपके एग्ज़ाम पेपर के लिए हेल्पफुल हो सकता है। इसलिए फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो इसको अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड जय हिंद जय भारत।